हाय फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हो आरके इस टेक्निकल चैनल को। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास एक फोन है जो कि सैमसंग 1200, और इस फोन का जो प्रॉब्लम है, इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वहाँ से शॉर्ट है और चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आप ये जो चार्जिंग का लाइट है चार्जर का, इसको आप फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड, अभी आप देखिए, मैं जब भी चार्जिंग इनपुट करता हूँ तो ये जो चार्जर है, चार्जर का लाइट यहाँ पे ऑफ हो जा रहा है। अभी आप देखिए, मैंने रिमूव कर दिया तो चार्जिंग फिर से यहाँ पे ऑन हो गया। मैं फिर से और एक बार आपको यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, एक्चुअली इसका जो प्रॉब्लम है, इसका चार्जिंग सेक्शन से शॉर्ट है। तो फ्रेंड, चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड, चलिए इस फोन को मैं फटाफट से यहाँ से रिमूव करके फिर मैं आपको इसके प्रॉब्लम के बारे में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यह है इसका मदरबोर्ड, ठीक है। तो फ्रेंड, चलिए मैं सबसे पहले इसका जो चार्जिंग का डायग्राम है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस साइड में आपका ग्राउंड सप्लाई मिलेगा, और ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो ट्रैक है मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो ट्रैक है, इसमें भी पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव वोल्टेज आता है। और ये देखिए, एकदम इस साइड में ये जो दो नंबर पिन है, इसमें पॉजिटिव सप्लाई आता है चार्जिंग का। उसके बाद यहाँ से होके फिर ये जो मेन आईसी है, मेन आईसी में ये चार्जिंग सप्लाई टोटल आता है। तो फ्रेंड, एक्चुअली यहाँ से होके फिर इसमें से होके फिर ये जो देखिए आपका जो डायोड है, इसमें होके ये हमारा जो चार्जिंग आईसी है, इसमें कनेक्ट रहता है चार्जिंग सप्लाई। तो चलिए फ्रेंड, अभी एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है उसको हमको फाइंड आउट करके देखना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे चार्जिंग इनपुट करने से चार्जर का जो लाइट है वो बंद हो जा रहा है। इसका मतलब जो है, इसका जो चार्जिंग सेक्शन है वहां से कहीं पे भी शॉर्ट है। तो फ्रेंड, चलिए एक एक करके इसको फाइंड आउट करते है। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो फ्रेंड, अभी मैंने एक कैपेसिटर को यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं चार्जर को यहाँ पे इनपुट करके देखता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अभी दूसरा क्या करना है देखिए। ये जो चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के बाजू में एक कैपेसिटर है, तो इसको हमको यहां से रिमूव कर लेना है। तो फ्रेंड, इस कैपेसिटर को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए अभी एक बार चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फ्रेंड, अभी हमको क्या करना है देखिए। तो फ्रेंड देखिए, अभी ये जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर का बाजू में यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ रहता है, और इसके ठीक पीछे ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा डायोड लगा हुआ रहता है। तो फ्रेंड, अभी हमको इन दोनों को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है।
तो चलिए इसको रिमूव करके देखते हैं कि इसका जो शॉर्टिंग है वो जाता क्या नहीं जाता। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक को रिमूव कर दिया, तो चलिए इस दूसरे को भी यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो कैपेसिटर और दो डायोड को यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी चेक करके देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता कि नहीं होता। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका चार्जर का जो लाइट है वो बंद नहीं हुआ, इसका मतलब इसका जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड अभी मैं आपको मीटर में इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो चार्जिंग वोल्टेज है अभी यहाँ पे बराबर से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आपको क्या करना है देखिए। तो फ्रेंड अभी आपको करना क्या है देखिए, मैंने दो कैपेसिटर और दो डायोड यहाँ पे रिमूव कर दिया था। तो फ्रेंड आप अगर किसी भी डायोड या कैपेसिटर को रिमूव करते हो तो दूसरा यहाँ पे अच्छा कैपेसिटर या डायोड यहाँ पे लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को इजी सॉल्व कर सकते हो।